लोगों का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज लोग हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ शॉर्टकट का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपको शॉर्टकट की नॉलेज नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर सकते और उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट वेलकम। फर्स्ट में मैं आपको बता दूँ, यदि आप किसी टेबल में वर्क कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में वो पूरी टेबल सेलेक्ट करना है। सपोज करो कि मेरी अभी ये हमारी जो फॉर्मेटेड बोर्ड है, मैं चाहता हूँ कि इसको बोर्ड नहीं, मैं नॉर्मल फॉर्म में चाहता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल बी पेश करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारी फाइल की लोकेशन की, कि हमारी फाइल कहाँ पर ओपन हुई है और ये कहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए जो सिंपल ट्रिक है, जैसे आप कंट्रोल के अपनी कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस के जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास में इस तरह का एक इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा करंट लोकेशन फोल्डर, यानी आपका जो करंट फोल्डर है वो यहाँ पे लिखा, देखो डेस्कटॉप, यानी जो मेरी फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। और ऊपर लिखा रहा नंबरिक टेबल, यानी जो हमारी टेबल है उसका नाम है नंबरिक टेबल, यहाँ ने देखा होगा आपने, ऊपर भी आपको दिखाई दे रही, ठीक है। उसके बाद में यदि आप इस टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये मेन फॉर्मेट में नहीं है लेकिन आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस टी। जैसे आप कंट्रोल प्लस टी क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो इस पर जैसे आप ओके क्लिक करते हैं, ये देखो आपके सामने एक टेबल ओपन हो गई है इस तरह से। देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, जितने भी आपके पास में जितने भी सब्जेक्ट हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। आप जिसको भी चाहे मैनुअली आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वही शो होना स्टार्ट हो जाए इस तरह से, ठीक है। ये एक इसका मेन फंक्शन होता है फिल्टर करना, यानी ये सभी को फिल्टर करने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, यदि सपोज करो मुझे टेबल नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे जैसे मेरी फाइल पहले थी सेम उसी फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगी जो पहले था, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सबसे आसान ट्रिक है। यदि आपने कुछ बाय मिस्टेक राइट कर दिया तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप चाहते हो कि मेरे पास में जितनी भी टेबल में डेटा अवेलेबल है मैं इसको अंडरलाइन करूँ, यानी इसके नीचे लाइन आए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस यू। जैसे आपने कंट्रोल प्लस यू क्लिक किया, ये देखो पूरी टेबल में आपके क्या हुआ, ये अंडरलाइन होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बस जो मेरे पास में सब्जेक्ट अवेलेबल है वही अंडरलाइन है, तो आपको जितना भी पार्ट अंडरलाइन करना उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए। देखो ये क्या हुआ, आपका पूरा डेटा अंडरलाइन हो गया, तो ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे ये टेबल है हमारे पास में, यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, लेकिन जो लास्ट वाली जो रो है हमारी, इसमें क्या, इसमें देखो पॉइंट के बाद में काफी नंबर्स आ रखे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जैसे सेम फॉर्मेट ही है इसी फॉर्मेट में ये टेबल भी शो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ वन प्रेस करेंगे तो इस तरह से टेबल आपके ऊपर ओपन हो जाएगी, जैसे बोलते फॉर्मेट सेल, ठीक है। इसमें कुछ नंबर हो गए, अलाइनमेंट है, इनके बारे में बाद में बताऊँ, पहले तो मैं आपको रिमूव करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको जाना है नंबर पे, जैसे आप नंबर पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास में डेसिमल प्लेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जीरो कर देना है, ठीक है। जैसे आप जीरो कर दोगे, यदि आप चाहते हो कि मेरे दो के बाद में दो नंबर के बाद में पॉइंट आए या तीन का है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो सेलेक्ट किया उसके बाद मुझे ओके कर देना, जैसे ओके किया, ये देखो अभी क्या होगा, ये क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन इसलिए क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अब मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब दोबारा से मैं कंट्रोल प्लस वन पेश करूंगा, ठीक है, अपने नंबर डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद क्या करूंगा, मैं इसको जीरो कर दूंगा, ये देखो हो गया ना। सेकेंड नंबर, अगर यदि आप उसको एनुअली, देखो एनुअली भी करके देखो, एनुअली आप कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद में इसको मैनुअली डिलीट करते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, आपका काफी टाइम वेस्ट होने वाला था, तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया, यदि आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ओ,
कंट्रोल प्लस ओपन करेंगे तो इस तरह से फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी ये वाली।